बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास सिक्स मैथ्स में आपने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, कुछ डेफिनेशंस की थी हमने, तो कुछ रहती थी डेफिनेशंस, वो मैंने आज के लेक्चर में आपकी इंक्लूड कर दी हैं। पहली डेफिनेशन है पावर सेट। पावर सेट इज़ अ सेट डैट कंटेन्स ऑल द सबसेट्स डैट कैन बी पॉसिबली क्रिएटेड फ्राम एन ओरिजिनल सेट। पावर सेट एक सेट होता है जिसमें क्या होता है, तमाम सबसेट्स इकट्ठे होते हैं। कोई एक सेट है, उसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं उन सबको मैं एक सेट में लिख दूं तो वो सेट क्या कहलाता है, पावर सेट। रिपीट कर रहा हूं मैं कि जितने भी किसी सेट के सबसेट्स बन सकते हैं वो सारे लिख के उसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दूँ तो वो एक सेट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक सेट लिखा हुआ 1 2 3, 1 2 3 के जितने भी सबसेट बन सकते हैं। ये पहला होगा इसका एम्प्टी सेट, फिर आपने सिंगल सिंगल लिखने हैं 1 2 3, यानी 1 2 3 सिंगल सिंगल लिखे हैं, फिर डबल कर देने हैं, फिर 1 2 1 3 और फिर 2 3, ये दो दो कर दिए और लास्ट में आपका थर्ड वाला आ जाए, 3 वाला आ जाएगा। तो ये आपके तमाम सबसेट्स हैं और बाद में हमने इनको इस ब्रैकेट में क्लोज किया हुआ है। तो ब्रैकेट में क्लोज करने का मतलब क्या है कि ये सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक सेट जिसमें सारे सबसेट आ जाएं वो एक पावर सेट कहलाता है, सिंपल सी डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट। कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट से मुराद सेट के एलिमेंट्स की तादाद होती है, सेट के एलिमेंट्स की तादाद के वो कितने हैं। जैसे कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज़ कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। जितने नंबर्स की तादाद है एलिमेंट्स की वो उसका कार्डिनल नंबर होता है। मिसाल के तौर पर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी। ए बी सी डी कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 4 होगी। तो ये एक सेट है, इसकी कार्डिनलिटी, इसकी कार्डिनलिटी 3 होगी क्योंकि एलिमेंट्स के कितने हैं, 3 हैं, तो ये कार्डिनलिटी होती है। डेफिनेशन इतनी ही है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1E की तरफ, और 1E में आज आपका बुक वर्क है, ये डेफिनेशन आपने राइट कर लेनी है और ये आगे आपका बुक वर्क आ जाएगा। बुक वर्क में जो काम है वो लिखा हुआ है पहले भी, लेकिन मैं समझाऊंगा। आज की डेट आपने ऊपर लिख लेनी है, क्लास वर्क मंडे ही आज भी। तो द यूनिट पहली है, द यूनिट सेट इज़ आल्सो कॉल्ड एन अ सिंगलटन। यूनिट सेट वही होता है जिस यूनिट सेट को हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं, जिसमें एक एलिमेंट ही हो। जैसे ये सेट में, जैसे कि सेट था, ये एक यूनिट सेट है इतना सिर्फ, ठीक है, इसमें एक ही एलिमेंट है तो इसको सिंगलटन सेट भी कहते हैं, ठीक है। ये आपने यहाँ पे लिख लेना। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज एन डैश सेट। इंटीजर्स का सेट जो होता है वो इनफाइनाइट सेट होता है, क्योंकि उसकी तादाद हम नहीं बता सकते कितनी है। वो पॉजिटिव की तरफ भी इंक्रीज हो रहा होता है, नेगेटिव की तरफ भी हो रहा होता है, तो हम नहीं कह सकते कि वो कहाँ जाके रुकेगा, तो वो हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वो इनफाइनाइट है। दी सिंबल दिस रिप्रेजेंट्स अ एम्प्टी सेट। डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है, एम्प्टी सेट की डेफिनेशन में। नहीं याद तो इसको रिवाइज कर लेना। टू सेट्स डैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड, ये भी डेफिनेशन से ही है, वो सेट, टू सेट जो कि सेम नंबर होंगी, तादाद उसकी सेम होगी, ऐसे सेट जिनकी तादाद सेम होगी वो क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। ई क्यू यू आई वी ए एल ई एन टी, इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। वो कौन से इक्विवेलेंट सेट होते हैं, जिनके एलिमेंट्स की तादाद बराबर होती है। नेक्स्ट है, अ डैश सेट कंटेन्स ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट। ये भी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, कौन सी, कि सारे पॉसिबल सबसेट किस में होते हैं, पावर सेट में होते हैं, ठीक है। द प्रॉपर सबसेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल। प्रॉपर सबसेट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, नीचे लाइन नहीं लगानी है आपने, तो ये सिंबल है आपका प्रॉपर सबसेट को डिनोट करने का। नेक्स्ट 7 है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स की तादाद होती है वो सेट की, वो क्या कहलाती है, कार्डिनैलिटी कहलाती है उसकी। तो ये भी आपने डेफिनेशन पढ़ी है इसकी भी। आगे मजीद हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 इज अ डैश ऑफ सबसेट ऑफ सेट बी 1 2 3 4।
ये देखो, ये सेट के एलिमेंट्स सारे के सारे इस एलिमेंट में कंटेन करते हैं, तो ये सब सेट की डेफिनेशन में पूरा उतर रहा है कि एक सेट के एलिमेंट्स सारे के सारे दूसरे सेट में हों तो वो सेट पहले का सबसेट कहलाता है। तो ए सेट सबसेट होगा बी का, ठीक है। ओवरलैपिंग सेट्स हैव एट लीस्ट डैश वन कॉमन वन डैश एलिमेंट। जो ओवरलैपिंग सेट होते हैं उसकी डेफिनेशन पढ़ें आप, तो वो कहता है उसमें कि उसमें लाजमी तौर पर एक या एक से ज़्यादा कॉमन एलिमेंट्स मौजूद होंगे, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा कॉमन एलिमेंट्स उसमें मौजूद होंगे। आगे है द यूनिवर्सल सेट फॉर ए एंड बी इज दिस। यूनिवर्सल सेट इन दोनों का कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों का आप यूनियन ले लेंगे, ठीक है, ए और बी का यूनियन ले लेंगे तो आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यूनियन में क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तमाम एलिमेंट्स हम इकट्ठे करके लिख देंगे यूनिवर्सल सेट में। यूनियन अभी आपका ऑपरेशन तो नहीं है, यूनियन का आपको नहीं पता होगा, दस जैसा आपने दोनों सेट्स के एलिमेंट कंबाइन करके लिख देने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स कंबाइन कर लेने हैं। नेक्स्ट है 11 वाला, 100, 200, 400, सो ऑन, 1, 2, 3 टू सो ऑन। ये आपका सेट किसका है, ये सेट है आपका नेचुरल नंबर्स का, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। ये और कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट है, ये आपका लाख करोड़ अरब तक भी जा सकता है। तो जबकि यहाँ पे क्या है, 100, 200 एंड 400 है, तो 100, 200, 400 इस सेट में होंगे, ये तीनों से एलिमेंट इस सेट में मौजूद होंगे, तो ये सेट पूरे का पूरा इसका सबसेट कहलाएगा, ठीक है। इसके सारे एलिमेंट्स इसमें कंटेन करते हैं, तो ये एलिमेंट इसका सबसेट है। नेक्स्ट है 12, 24 और 2, 4, 6 टू सो ऑन। ये सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, या सारे इसमें नंबर्स होंगे, तो ये भी देखो 12 और 24 भी क्या हैं, इवन नंबर्स ही हैं, 12 और 24 भी इवन नंबर्स ही हैं, तो वो भी इस सेट में मौजूद होंगे, 2, 4, 6, 8 में ये भी एलिमेंट्स मौजूद होंगे, तो ये एलिमेंट इस सेट में कंटेन करते हैं, ये एलिमेंट इस सेट में कंटेन करते हैं, इसलिए ये जो सेट होगा वो इसका सबसेट होगा। तो ये प्रॉपर सबसेट का साइन है, ये भी प्रॉपर सबसेट का साइन आ जाएगा। ये कह रहा है 10-1-3-5 अप टू सो ऑन। 10 को बताना है क्या इस सेट में बिलोंग करता है या नहीं। ये 10 एलिमेंट लिखा हुआ है, इस बार 10 सेट नहीं लिखा हुआ क्योंकि ब्रैकेट्स में नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं है, 10 एलिमेंट है। कह रहे हैं क्या 10 जो है वो इसमें बिलोंग करता है, 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन, ये सारे नंबर्स होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 सारे ऑड नंबर होंगे, जबकि 10 क्या है, इवन नंबर है, तो 10 इवन नंबर इस सेट में नहीं होगा, तो हमने एक साइन लगा के ई वाला लिख के उसको क्रॉस कर देना। इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, ई का मतलब बताया हुआ है कि क्या होता है, बिलोंग्स टू, ई के ऊपर लाइन लगा देंगे तो उसका मतलब है कि नॉट बिलोंग्स टू, ठीक हो गया। नेक्स्ट है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन इज डैश 8, 10, 12। तो सुपर, ये जब अब सुपर सेट का साइन आ जाएगा, यहाँ पे सुपर सेट की बात आ जाएगी कि ये सारा ये सेट ये सारे एलिमेंट्स कंटेन करता है, तो जो बड़ा सेट होता है वो सुपर सेट कहलाता है। तो सुपर सेट की तरफ आपने ये निशान लगा देना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में 8, 9, 8, 10, 12 भी आते होंगे ना, 8, 10, 12 भी आते हैं, तो ये सारे एलिमेंट इस सेट में कंटेन कर जाते हैं, तो बड़े सेट को हम क्या बोलते हैं, सुपर सेट। तो यहाँ पे आपने ये वाला साइन लगा लेना है। फिर 1, 3, 5 और 3, 5, 1, इसके एलिमेंट्स 3 है, इसके एलिमेंट्स भी 3 है, इसके वैल्यूज़ भी, इस वैल्यूज़ कौन सी है 1, 3, 5, इसकी वैल्यूज़ कौन सी है 1, 3 और 5, दोनों सेट्स फिर इक्वल होंगे। इक्वल सेट्स के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों के एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए, तो इसके एलिमेंट्स भी 1, 3, 5 हैं, इसके भी 1, 3, 5 ही हैं, तो ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। फिर है कसूर, लाहौर, मुल्तान डैश पाकिस्तानी सिटीज़। पाकिस्तानी सिटीज़ में और भी बहुत सिटीज़ आ जाएंगी, जबकि उसमें पाकिस्तानी सिटीज़ में कसूर, लाहौर और मुल्तान भी हैं, तो कसूर, लाहौर और मुल्तान का जो सेट होगा वो सब सेट होगा सारी पाकिस्तान की सिटीज़ का, तो इसलिए इसका सब प्रॉपर सबसेट का साइन लगा दिया हमने। ए बी इज इक्वल टू इज डैश वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ए बी जो है वो इक्वल नहीं होता वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, जबकि यहाँ पे क्या है, ए बी है, तो ये दोनों इक्वल, ये सबसेट भी नहीं होंगे, ये बिलोंग भी नहीं करता,
तो इसी तरह यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल टू। ठीक है, इस तरह आपने इसकी सारी फिलिंग ब्लैंक कर लेनी है। तो आज का लेक्चर इतना ही है, ये बुक वर्क है और डेफिनेशन याद करनी है आपने। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।